केंद्र खिलाफ फैसला कुन संघर्ष विडन दी राते किसान तुरे हुए ने ते हुन दिल्ली आंदोलन संबंधी संयुक्त किसान मोर्चे दी आज चंडीगढ़ दे विच बैठक है। केंद्र दे खिलाफ लगातार खेती कानून दे खिलाफ जुड़े ने किसान लामबन ने ते दिल्ली आंदोलन संबंधी संयुक्त किसान मोर्चे दी आज चंडीगढ़ च बैठक है। 26 ते 27 नवंबर नूं किसानां ने दिल्ली दे विच धरना देना है। रेल गड्डियां दी आवाजाई संबंधी केंद्र ते किसानां विचाले रेड़का बरकरार है। यात्री गड्डिया लांघा खोलने लैके किसानों ने केंद्र के सामने शर्त रखी है। पहला माल गड्डिया की आवाजाई केंद्र सरकार शुरू करे, यह किसानों ने मांग की है। उन्हें कहा कि माल गड्डिया शुरू होने तो बाद ही यात्री गड्डिया के लांघे के लिए किसान जो ने वो विचार करेंगे। सो रेड़का जड़ा है गड्डिया की आवाजाई लैके बरकरार है। जय विचकार हालांकि मीटिंग भी केंद्र के नाल हुई लेकिन बेसिट्टा रही। किसानों वालों लगातार अपना अंदोलन जड़ा है वह तेज करने का फैसला किया गया है। हुण अज दिल्ली आंदोलन संबंधी संयुक्त किसान मोर्चे की अज चंडीगढ़ दे विच बैठक होनी है। दसदे कि 26 ते 27 नवंबर नूं किसानों ने दिल्ली दे विच धरना देना है। इस नूं लैके बीते दिन भी 30 किसान जथेबंदियों की बैठक हुई सी। रेल गड्डिया की आवाजाई संबंधी केंद्र ते किसानों विचाले रेड़का लगातार बनिया होया। असीं कुछ अहम फैसले लए ने। एक तो जिहड़ा साडा पंजाब दे विच संघर्ष चलदा है, चाहे वह रेलां रोकियां, चाहे ट्यूबलाइज रोक तो लांघा करिया होया, चाहे मौलां ते बंदे बहाए ने, वह साडा जैसे से तैसे ही चलेगा। मतलब किते बंद नहीं किया जाऊगा, साडा इमेज उपर चलता। जिहड़ियां जथेबंदियां सी सारे देश दे विच अड्डोडी लड़ रहे थी, वह साडा एक प्लेटफॉर्म भारत दे पद्धर दा बन गया। संयुक्त किसान मोर्चा 11 बजे उहदी इत्थे मीटिंग होनी है। सारे जिहड़ा अंदोलन मतलब कल्ले पंजाब चों नहीं हैगा, सारे भारत का अंदोलन है। वह भी कितों कितों किवें करना है, की तैयारियां साड़ियां पंजाब दीयां तैयारियां। 26 ते 27 दी साड़ी पंजाब दे विच सारियां जथे 30 जथेबंदियां दी फुल तैयारी है। मेरा ख्याल है लखां साडा किसान जाऊगा, तो ट्रैक्टरां दी गिणती असीं दस ही नहीं सकते। पूरे पूरा जोर लग्या होया पिंडां दे लोकां दा, इत्थों भी पूरी तैयारी है, जावांगे। पर जिहड़ा सेंटर सरकार दा पंजाब वास्ते, पंजाब दे व्यापारियों वास्ते, पंजाब दे मजदूरों वास्ते, पंजाब दे किसानों वास्ते जिहड़ा उहदा वतीरा है अड़ी वाला, असीं ये सारियां जथेबंदियां उहदे इस अड़ी वाले वतीरे की निंदा करते हैं। पर जे उह पहलकदमी करे सेंटर सरकार, असीं मेरा ख्याल है माल गड्डियां छड्डिया नूं सानूं मैनूं तां लगदा भी काफ़ी दिन हो गए, महीने वांगू हो गया। सेंटर सरकार पहलकदमी करे भी वह गड्डियां नूं चलावे, तो फिर असी तुरंत मीटिंग सद के एमरजेंसी मीटिंग सद के तो असी सोच सकते हैं भी चढ़ाऊ गड्डिया बारे आपां नूं की करना चाहिए। तुरंत मीटिंग सदांगे जे सेंटर सरकार माल गड्डिया अज किसानां कोले रे नहीं, व्यापारियों का माल रुकया पिया, मजदूरों नूं कम नहीं मिल रहा। इस करके जिहड़ा सेंटर सरकार का वतीरा सरासर गलत है। असी चंडीगढ़ आने कदे मंजूरी नहीं ली, असी डीसियां दे धरने दिंदे आ कदे नहीं मंजूरी ली। साडे थोड़े जे सेंट्रल लीडरां नूं हो रहा है भी यार मंजूरी लईए। मतलब मेरा ख्याल है मैं तां वाला मंजूरी मंजारी दे हक च है ही नहीं गा, उह देवे मंजूरी ना देवे, उह जिहड़ा रामलीला मैदान पिया साडे लोकां दा, असी जावांगे पूरी तैयारी नाल जावांगे। असी कहिंदे आ मतलब हरियाणा सरकार नूं साडी टक्कर सेंटर सरकार नाल है, हरियाणा सरकार साडे नाल ना पंगा लवे। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਤਲੋਚਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਲੋਚਨ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ? देखो ये एक किसान यूनियन जिहड़े किसान देश भर के किसान ने उन्होंने बहुत बड़ी खबर है भी देश भर में 3 जिहड़ियां किसानां दियां धिरां चल रही सी। एक सी ऑल इंडिया संघर्ष कमेटी, दूसरी सी राष्ट्रीय किसान महासंघ, तो तीसरी सी भारतीय किसान यूनियन चंदूई, वो हरियाणे नाल संबंधित सी। वो तिन्ना जथेबंदियां ने सारे हिंदुस्तान के किसानों की एक जिहड़ा संगठन बना लिया संयुक्त किसान मोर्चा।
संयुक्त किसान मोर्चे की अज इत किसान भवन च दोपहर 12 बजे मीटिंग है, कल 11 बजे मीटिंग तय की सी, पर अज जो जानकारी मिली है क्योंकि सारे राज्यों के जोड़े किसान आगुओं ने आना, इस करके मीटिंग 12 बजे शुरू होगी और 4 बजे सारिया जोड़े नैशनल लीडर ने किसानों के वो मीडिया को संबोधन हो के भारत सरकार वो जोड़ा संघर्ष है वो जानकारी देने। पर मुख्य तौर पर जी गल सामने आई है ये जी नैशनल लैवल के लीडर की चंडीगढ़ मीटिंग हो रही है, इस 26 ते 27 नवंबर न दिल्ली चलो का जोड़ा प्रोग्राम है वो बारे सारे स्टेटा के देश के सारे राज्य के किसानों की की तैयारी है, किड़े ढंग नाल किड़ी रणनीति नाल दिल्ली वधना है, और जे किसी भी स्टेट में पुलिस ने रोकया तो उत्थे फिर किड़े ढंग नाल एक्शन करना है, सारी रणनीति अज की मीटिंग तय की जाएगी। साडे नाल बलदेव सिंह सिरसा जी मौजूद ने, जिहड़े किसान आगू ने उन्होंने पुछदे भी अज की मीटिंग च होर की कुछ किया जाऊगा। देखो जी, सब तो पहली गल तो है कि मैं थोड़ा धन्यवाद करदा PTC चैनल का भी जिहड़ी साडी इस टाइम पर जो मुख समस्या किसानां दी नहीं इस समुचे वर्गां दी आ ते इहनू तुसीं दुनिया भर तक जो संघर्ष चल रहा यह पहुँचा रहे जी, और अज की जो मीटिंग है ये मीटिंग होने का सबब किवें बनिया? पंजाब दे किसानां वल्लों जदों केंद्र सरकार ने 3 खेती विरोधी जिहड़े कानून लियांदे ते असी वख-वख तौर दे उत्ते जिहड़ा सी उह संघर्ष जून तो ही उदों शुरू कर दिता, लेकिन सब तो पहला कि असी 30 किसान जथेबंदियां जिहड़ियां इकट्ठियां होकर चल रहे हैं असी इकट्ठे होए, उस तो बाद फिर असी ये पंजाब दे समुचे वर्गां नूं किरती लोकां नूं जिच किसान मजदूर आड़ती जिन्हें भी सन उन्हां सारयां तक पहुँच की, व्यापारी तक पहुँच की, भाव रेहड़ी फड़ी तो लैके आटो रिक्शा चालक सारा तक असी पहुँच की आ कि ये जिहड़े खेती विरोधी कानून बने ने ये कल्ले किसान मारू नहीं, ये असर जिहड़ा है वह समुचे वर्गों पर पैना, किरती लोगों की जिहड़ी जेब है वह कट्टी जानी है। सो उन्हां लोगों ने साडा साथ दिता, असी पहला पंजाब के लोगों को इस गल च जिहड़ा सी वह समझाउण च कामयाब होए, उस तो बाद फिर असी यह विचार की कि यह साडा जिहड़ा संघर्ष है ये कल्ले पंजाब का नहीं, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਤਰੀਕ ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਚਨ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।